सो हे गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ऐड रियलिटी इन योर फोटो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 3 टिप्स। उन 3 टिप्स को फॉलो करने के बाद आई होप कि आप अपने फोटो में बहुत अच्छी रियलिटी ऐड कर पाएंगे। एंड ये 3 टिप होने वाली है एकदम बेसिक सी, सो इन 3 टिप को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको कहीं भी स्क्रीन पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर जाओ, सर्च करो इंस्टाग्राम पर, फॉलो करो। वहाँ पर आपको यूनिक कंटेंट मिलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह। एंड गाइज, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं टिप नंबर फर्स्ट के साथ। तो टिप नंबर फर्स्ट होने वाली है कि आप अपने फोटो के एंगल को कैसे पहचाने। सो गाइज, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे एंगल के बारे में, कि हम अपने बैकग्राउंड के एंगल को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं। सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप अपने फ़ोटो को क्लिक कराने जाते हैं एंड आप अपने बैकग्राउंड को डाउनलोड करके पहले से रख लेते हैं कि हमको इस बैकग्राउंड पर अपने इमेज को लगाना है, तो करना क्या होता है आपको कि अगर आपको एंगल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हमको किस एंगल में फ़ोटो को क्लिक कराना है, तो सबसे पहले आप जिस भी प्लेस पर जा रहे हो फ़ोटो को शूट कराने एंड फ़ोटो शूट कराना स्टार्ट कर दियो, तो जो भी पोज है आपका, सबसे पहले उस पोज को बना लीजिए। उस पोज को बनाने के बाद आपका जो कैमरा मैन होगा, जो भी आपका कैमरा पकड़ा हुआ होगा, उसको आपको बोलना है सबसे पहले, मतलब कि आपको 4 फ़ोटो क्लिक कराना है। सबसे पहला फ़ोटो जो क्लिक कराना है, कैमरा मैन को बोलिएगा कि खड़े होकर फ़ोटो ले। उसके बाद आपका पोज बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कैमरा मैन का सिर्फ एंगल चेंज होगा। तो सबसे पहले कैमरा मैन को बोलिएगा अब बैठकर आपको फ़ोटो क्लिक कराना है, तो उसके बाद आपका पोज वैसे ही रहेगा, वो बैठकर फ़ोटो को क्लिक करेगा। उसके बाद 2 फ़ोटोज़ आपको और लेने हैं, एक मतलब कि लेफ्ट साइड, एक राइट साइड से लेना है। एंड उसके बाद आपके हो जाएंगे 4 फ़ोटोज़। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, अपने आपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हुआ होगा, उस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन करना है। एंड पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद आपको अपने 4 फ़ोटो को एक एक करके लगाना है। एंड लगाने के बाद ओपेसिटी कम कर करके देखना है, यानी कि आपको कटिंग नहीं करना, उनकी ओपेसिटी को कम कर करके देखना है। एंड देखना है कि कौन सा फ़ोटो सबसे ज़्यादा आपके बैकग्राउंड पर मैच हो रहा है। तो ये होता है एंगल पहचानना। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। सो गाइज, टिप नंबर 2 पर जाने से पहले आपको अपना YouTube खोलना है एंड आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको सर्च क्या करना है, रावण पिक एडिट्स। तो इसको सबसे पहले आपको सर्च करना है एंड सर्च करने के बाद सबसे टॉप पर आपके सामने एक चैनल आएगा, इसको आप इजीली सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इनका जो चैनल है वो एकदम न्यू है एंड ये न्यू कंटेंट बना रहे हैं, एंड आप लोग इनको बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। एंड इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर क्लिक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। सो गाइज, हम बात करने वाले हैं अब टिप नंबर 2 के बारे में। टिप नंबर 2 होने वाली है कलर मैचिंग के ऊपर। सो गाइज, ये कलर मैचिंग वो कलर मैचिंग नहीं होने वाली जो आप लाइटरूम में हम लोग करते हैं, बैकग्राउंड से अपने फ़ोटो को मैच कर लेते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, सारी नॉलेज आपको कलर मैचिंग के बारे में मिल जाएगी। सो गाइज, इस कलर मैचिंग में आपको करना क्या है, अगर आप लोग पहले से बैकग्राउंड को डाउनलोड करते हैं, मतलब कि फ़ोटो एडिट करने के लिए, तो आप जो भी ड्रेसिंग को पहनकर जाते हैं फ़ोटो शूट कराने, उस ड्रेसिंग से अपने बैकग्राउंड को ऐसे डाउनलोड कीजिए जो कि आपके ड्रेसिंग में कलर्स होते हैं, उन कलर्स को बैकग्राउंड में मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि आपको ऐसे बैकग्राउंड्स डाउनलोड करना है जो आप ड्रेसिंग किए हुए हो, उस ड्रेसिंग के कलर से आपके बैकग्राउंड के भी कलर कुछ ना कुछ मैच ज़रूर होने चाहिए। इस चीज़ से होता क्या है कि आपके फ़ोटो में एक अलग सी ही रियलिटी आती है एंड एक अलग सा ही फील आता है। तो ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि अगर आप लोग जो भी कपड़े पहने हुए हो, उन कपड़ों को पहनने के बाद ये भी ट्राई करो कि बैकग्राउंड में भी वही कलर हो जो आपके कपड़ों में ऑलरेडी हैं। एंड इसके बाद आप कलर मैचअप करना तो सीख ही जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दूसरी वीडियो का, वो आप लाइटरूम से अपने बैकग्राउंड एंड अपने इमेज के कलर को मैचअप कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 के पास। सो गाइज, टिप नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं लाइटिंग कंडीशन के बारे में। सो गाइज, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कभी भी आप अपने फ़ोटो को क्लिक कराएं,
वो एरिया ऐसा होना चाहिए वहाँ पर, मतलब कि आपके एरिए की लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, आपका एक एक पार्ट अच्छे से शो होना चाहिए, हर एक मतलब कि जो भी पार्ट आपके बॉडी के होते हैं सारे एकदम प्रॉपर हाईलाइट होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा मैचिंग में आएगा बैकग्राउंड की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि अच्छी लाइटिंग में, डे लाइट में फ़ोटो को शूट कराइएगा एंड आप उस फोटो को बहुत बेटर एडिट कर सकते हैं। एंड गाइज ये भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि जहाँ भी आप फ़ोटो को क्लिक कराने जाते हैं वो एरिया मतलब कि खुला हुआ होना चाहिए, जैसे कि ग्राउंड टाइप एरिया जो होते हैं उस टाइप का एरिया ज़रूर से होना चाहिए। जैसे आपको ऐसे एरियाज़ में नहीं जाना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्री होते हैं। अगर आप अपने फ़ोटो को रीटच करना चाहते हैं, सिर्फ रीटच, तब आप कैसा भी एरिया चूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोटो को क्लिक कराने के लिए। उसमें कोई भी लाइटिंग कंडीशन, मतलब कि लाइटिंग कंडीशन तो होना चाहिए उसमें, आपको बैकग्राउंड तो चेंज करना नहीं है, सिर्फ उसमें रीटचिंग करनी है, इसलिए आप उसमें कोई भी एरिया चुन सकते हैं। एंड अगर आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तब आपको फील्ड की ज़रूरत होती है, मतलब कि फील्ड भी ना हो तब भी ओपन एरिया होना चाहिए ताकि आपके फ़ोटो में प्रॉपर अच्छी सी लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि आपके फ़ोटो में और भी अच्छी रियलिटी आ पाए। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप लोगों को यूनिक कॉन्सेप्ट के आइडिया ढूंढने हैं तो मुझको ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपने यूनिक कॉन्सेप्ट अपलोड करते रहता हूँ एंड उसके साथ ही साथ आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। सो